A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. So my dear aspirants and students, this is your teacher Advocate Samiula Dhingra. So जैसे कि हमारी MCQ series जो है चल रही है, तो उसी से related हमने आज next video आपके लिए लाई हुई है. तो आज का topic जो है MCQs, जिसके ऊपर हम करेंगे practice करेंगे, वह stages and theories of human development. So start करते हैं. ये पहला पहले वाले को practice करते हैं. इसमें क्या पूछ रहा है पहले वाले में, इसमें ये कह रहा है एरिक्सन की थ्योरी जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, बड़े अच्छे से पढ़ी और काफी डिटेल में हमने पढ़ी. उसकी जो थ्योरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, किससे रिलेटेड? इन्फेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो आपने क्या करना है, आपने मैंने आपको तब भी बताया था, स्टेजेस को अच्छे से दिमाग में डाल देना है. ठीक है, स्टेजेस के नाम अच्छे से याद रखने हैं. अब जैसे कह रहा है कि इन्फेंट, इन्फेंट के टाइम में हमने भी इस चीज को अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्फेंट किससे रिलेटेड है. तो आपका सीधा का सीधा इन्फेंट रिलेटेड है इन्फेंसी से, सिंपल सा. तो इसलिए कहता है कि एट व्हाट स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट डज एन इन्फेंट डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, तो किस टाइम में? इन्फेंसी के टाइम में. ठीक है, ये सिंपल आंसर है अगर आपने ये अच्छे से जो है मेरे लेक्चर को सुना होगा. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है. इसमें कहता है व्हाट इज द मेन आउटकम ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट. अब पहला स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज, ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेज का उसमें अगर फेल होता है तब क्या होता है, क्योंकि वर्सेस था. ठीक है, वन एक का वर्सेस दूसरे के साथ, तो उसमें बैलेंस की बात की गई थी हमने बड़ा डिटेल में. हमने तो इसमें तो ऐसा हो ही नहीं कि कोई हमने मैं कोई ऐसा एमसीक्यू डेवलपमेंट का कराऊं कि जिस जो क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका ये रिलेटेड टॉपिक नहीं है. ये पूरा का पूरा क्या है, ये कंसेप्चुअल है. आपको जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ही इसका एमसीक्यू है. तो हमने ये पढ़ा हुआ है एरिक्सन का बड़ा डिटेल में. फर्स्ट स्टेज में अगर वो कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल रहता है, तो आउटकम क्या रहेगा उसका, उसका आउटकम क्या रहेगा कि बच्चे के अंदर क्या चीज आएगी, बच्चे के अंदर किस वाले में, याद रखना. ठीक है, आपको याद रखना है फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है. अगर वो कामयाब होती है तो फर्स्ट स्टेज में बच्चे के अंदर क्या होता है, होप. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट पे चलते थर्ड वाले पे. थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला ये कहता है कि व्हाट इज द एसेंशियल थीम ऑफ सेकंड स्टेज. आप किसकी बात कर रहा है, सेकंड स्टेज की बात कर रहा है. ठीक है, एरिक्सन की. उसमें क्या है एसेंशियल थीम, क्या है, ये भी मैंने बड़े डिटेल में आपको सब्जेक्ट मैटर भी लिख के मैं देता था उसमें, जब मैं लेक्चर दिया था उसमें बड़े अच्छे से मैंने पढ़ाया था आप लोगों को. तो उसमें मैंने बार बार आपको कहा था कि जो सेकंड वाले में क्या आता है, सेकंड वाले में जो मेन फोकस है, मेन थीम है, वो क्या, वो टॉयलेट ट्रेनिंग है. ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा. उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फोर्थ वाला. फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, फोर्थ वाले में ये कह रहा है कि विच स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर. ठीक है, तो एरिक्सन का जो है स्टेजेस है उसमें प्री स्कूल में क्या है, जो प्री स्कूल का है. तो प्री स्कूल में क्या है, बच्चे में क्या जो है आता है, ए है उसका या इनिशिएटिव वाला है, ऑटोनॉमी है, ट्रस्ट है, कौन सा वाला है. तो आपको दिमाग में अच्छे से रहना है कि प्री स्कूल, ठीक है, स्कूल से पहले वाले में बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है एक इनिशिएटिव लेता है, सिंपल सी बात है. ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको. तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है. ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, फिफ्थ पे. ये भी है तो सारे इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना. देखो ये प्रैक्टिस है, बस कहने का मतलब ये कि ये जो मैं एमसीक्यू जहां पे दे रहा हूं ना आपको, इस एमसीक्यू से ये आपको समझ आ जाएगी कि आप जब सिगमंड फ्रॉयड की और एरिक्सन की आप जो थ्योरी जो स्टेजेस पढ़ेंगे उनकी, तो आपको किस तरीके से वहां एग्जाम में एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एसएसबी पूछ सकता है, तो इसी तरीके से पूछेगा. तो आपको आप समझ आ गया होगा कि आपने वो उनकी स्टेजेस कैसे याद रखनी है. व्हाट इज द मेन आउटकम ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीटिंग थर्ड स्टेज. आप थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. थर्ड स्टेज जब सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बच्चे में क्या आएगा, ये भी बड़े डिटेल में सारा पढ़ा है हमने. तो सिंपल सा है कि उसकी कंक्लूजन आउटकम क्या है, विल है. ठीक है, विल है इसका आंसर. नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सिक्स्थ वाले पे. ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस. सेंस ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही वर्ड्स आपको की वर्ड्स याद रखने हैं. ठीक है, तो किस टाइम पे ये सेंस ऑफ पर्पस उसके अंदर जो है वो आता है, ठीक है, इन्फेंसी में आता है, अर्ली चाइल्डहुड में आता है, प्री स्कूल में आता है, स्कूल एज में आता है, तो उसका है प्री स्कूल में. ठीक है, प्री स्कूल आपका इसका क्या है जो है आपका आंसर है. बहुत आसान है ये, अच्छे से जिसने पढ़ी होगी ये थ्योरी स्टेजेस, उसके लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत इजी है, कोई मसला ही नहीं है इसमें. ठीक है,
मैं बार बार वही कह रहा हूं आपको कि इससे रिलेटेड वो कुछ भी आपको अगर आठ याद करनी है तो आठ से रिलेटेड वो दस भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछेगा। पांच है सेगमेंट की, वो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है। तो आपको वो पूरी स्टेजेस दिमाग में अच्छे से बिठा देने हैं, उनका ईयर याद रखना है, ईयर के साथ उनका जो है जैसे इसमें जिस हिसाब से ये एमसीक्यूज में आपको आपके सामने मैंने रखे उसी हिसाब से आपने लर्न करना है, ठीक है। विच स्टेज इसमें क्या है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग यंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, यंग अडल्टहुड में जो है कौन सा है, इसमें क्या वर्सेस क्या है, ठीक है। बी है, ईगो है, इनिशिएटिव है, कौन सा है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका सिंपल है कि आपको अडल्टहुड को जोड़ना है इंटीमेसी के साथ, ठीक है, सिंपल सा है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा खुद ही, ठीक है। बस ये थोड़ा एक तरीका है जिससे आपको ये याद रहेगा। एट्थ पे आते हैं, एट्थ क्या कह रहा है हमारा, एट्थ कह रहा है विच इज द वट इज द मेन आउटकम ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फाइनल स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कितना अच्छे तरीके से पूछा कि अगर आपने पढ़े होंगे स्टेजेस तो बस ऐसे आपको एग्जाम में आएंगी। तो हमें पता है कि जब फाइनल स्टेज में जो है वो कंक्लूजन पे आता है फाइनल स्टेज में, ठीक है, तो अगर उसको अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है तो उसमें सीधा आंसर आपका सी है, विजडम, विजडम गेन करता है, सिंपल है, ठीक है, विजडम है इसका आंसर फाइनल स्टेज वाले में, ठीक है। इसमें ये इसमें इसमें बेटा एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो मैंने बताया ना आपको, यहां पे ध्यान में रखना है सक्सेसफुल, अगर वो फेलियर होता है तब विजडम नहीं आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नाइन्थ वाले में, नाइन्थ वाले में क्या क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिज थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी दोनों की थ्योरी आ गई, ठीक है, इनकी थ्योरी में क्या डिफरेंस है, ये तो मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इनकी थ्योरी में डिफरेंस क्या है, इनकी थ्योरी में क्या डिफरेंस है। पहला कहता है एरिक्सन थ्योरी फोकसेस ऑन, एरिक्सन की थ्योरी फोकस किसके ऊपर करती है, अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। वाहिल जो है फ्योर्ड की थ्योरी जो है फोकस किस पे करती है, एडोलेसेंस के ऊपर फोकस करती है, ठीक है, क्या है ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि अच्छा सॉरी ये बी आ गया, ठीक है, हमने ए किया ही नहीं, चलो हो गया, ए पे आते हैं, फिर सी पे आते हैं। एरिक्सन थ्योरी फोकसेस ऑन किस पे फोकस करती है, इस पे, ठीक है, साइकोसोशल डेवलपमेंट पे। वाहिल जो फ्रॉइड की थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है, वो ये बस ये चीज ध्यान में रखनी। एक में क्या है, एक में आपका देखो यहां पे एरिक्सन का आपको ध्यान में रखना है, उसने सोशल से रिलेट किया है, ठीक है, और सिगमंड फ्रॉइड ने किससे रिलेट किया है उसको, उसने उसका लिबिडो हमने पढ़ा था, ठीक है, सेक्सुअल अर्ज, तो सेक्सुअल उससे जो अर्ज है ह्यूमन की उससे रिलेट किया हुआ है, तो इसीलिए आ गया साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट और साइको सोशल डेवलपमेंट। तो साइको सोशल डेवलपमेंट है किसका, एरिक्सन का, ठीक है, किस तरह सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करेगा साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करके, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रॉइड की थ्योरी क्या कहता है, वो कहता है कि अपने साइकोलॉजिकली सेक्सुअल जो उसकी अर्जेस है वो कैसे पूरी होती है, उनमें बैलेंस कैसे रहता है, उसके अंदर कोई बुरी चीजें ना आ जाए, ठीक है, अगर इनमें बैलेंस नहीं रहता है उसकी सेक्सुअल डिजायर्स अलग अलग अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड थ्योरी हमने जो पढ़ा था सिगमंड फ्रॉइड की, अगर वो नहीं होती, इम्बैलेंस होता है उसमें, उससे क्या होगा कि वो क्राइम की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये कीवर्ड्स है, इनके कीवर्ड्स से आपको याद रखेगा, सोशल रिलेट विद एरिक्सन एंड सेक्सुअल यू कैन रिलेट इट विद फ्रॉइड थ्योरी, ठीक है, सिंपल है, इसी तरीके से याद रहेगा। आंसर इसका यही है, ए ही है, सी नहीं है और बी भी नहीं है, बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन वाइल्ड फ्रॉड थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, नहीं ये नहीं है, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट है, ये आपको लगेगा सी वाला आपको लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, मगर आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन एग्जाम में करना होता है, इस चीज को ध्यान में रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, हर एक एमसीक्यू में कभी कभी दो हमारे ऑप्शन बिल्कुल जो है सही भी होते हैं, आंसर सही होते हैं, ठीक है, मगर हमें अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन एक ही ठीक होगा बाकी वाले गलत होते हैं, नहीं, कभी कभी दो ऑप्शंस भी ठीक होते हैं, मगर आपको अप्रोप्रिएट ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेंथ वाला, टेंथ वाले में कह रहा है व्हाट इज एपिजेनेटिक प्रिंसिपल इन एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, ठीक है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन सारे हाँ इतने ही है इसमें, ओके यहीं पे रखते हैं। देखो पहला है द प्रिंसिपल दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स इन अ सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफकोर्स ओवर अ टाइम इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ
लार्जर कम्युनिटी, ठीक है। तो ये एक पैटर्न के साथ चलती है और उसका और कवर करती है किसको, कवर ओवर टाइम के साथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लार्जर कम्युनिटी, ठीक है, एज होल। द प्रिंसिपल दैट पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस नहीं है, द प्रिंसिपल दैट पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आपका ए इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ईच स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको, ठीक है बिल्कुल। तो मेन फोकस क्या है हर एक स्टेज में एरिक्सन के अकॉर्डिंग, फोकस क्या है, ठीक है, फोकस क्या है, ए बी सी है, ठीक है, ओके, सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला क्या है, पहला है डेवलपिंग कंप्लीटेंस कंपीटेंस इन एन एरिया ऑफ लाइफ, डेवलपिंग साइको साइकोलॉजिकल क्वालिटीज और डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए कि सारी स्टेजेस में फोकस क्या है एरिक्सन, तो ये वाला आपका बी है, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को पैदा करना, सिंपल है। नेक्स्ट पे आते हैं ऑप्शंस, ओके आपके सामने, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन फेल्स, बिल्कुल फेल हो जाता है टू डील इफेक्टिवली विद कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इंटीमेसी, ठीक है, वर्सेस आइसोलेशन, तो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट में फिर क्या है, उनमें बैलेंस रखना है, तो वही तो कह रहा है यहाँ पे, ये अभी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एरिक्सन अगर एक पर्सन जो है फेल हो जाता है, सक्सेस नहीं आता, सक्सेस होता है तो जैसे सक्सेस होगा तो विजडम हासिल होगा, लव हासिल होगा, होप हासिल होगा, विल हासिल होगा, इसमें कहता है कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर स्टेज का नाम नहीं दिया है, सभी स्टेजेस की बात की, तो क्या होता है अगर फेल होगा, ठीक है, अगर फेल होगा तो क्या होगा, फेल होके क्या उसके अंदर दे विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, नहीं, फेल से तो नहीं हो सकता, दे विल डेवलप अ सेंस ऑफ फेल है, फेल को आपने ध्यान में रखना, ये कीवर्ड है, सेंस ऑफ मास्टरी इन द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, दे मे नॉट डेवलप एसेंशियल स्किल नीडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ अप, इसका आपका सी वाला है क्योंकि फेल की बात कर रहा है, ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13th वाला, इसके ऑप्शंस, ठीक है, ये आपके सामने, इन एरिक्सन थ्योरी व्हाट इज द पोटेंशियल आउटकम इफ अ पर्सन सक्सेसफुली डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बहुत अच्छा है, पोटेंशियल आउटकम एक्सपेक्टेड, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में क्या हो सकता है अगर वो सक्सेसफुल है, देखो उसमें फेलियर था ना, इसमें सक्सेसफुल है, तो क्या है, वो कहता है दे विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, दे मे डेवलप अ सेंस ऑफ मास्टरी इन दैट, सेम है जैसे पहले वाले में ऑप्शन थे, ठीक है, दे विल डेवलप अ सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी इन दैट, नहीं, इनएडिक्वेसी तो नहीं हो सकता, दे मे डेवलप अ सेंस ऑफ मास्टरी इन दैट एस्पेक्ट ऑफ, ये वाला आपका आंसर है, ये जबरदस्त है, इन दैट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इन दैट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, उसी में, उसी वाली स्टेज में मास्टरी उनको हासिल होगी, ठीक है, इसका आंसर ये वाला। नेक्स्ट पे आते हैं 14th वाले पे, 14th क्या कह रहा है हमारे पास, 14th वाला ये कह रहा है व्हाट, सॉरी, व्हिच स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑकर्स ड्यूरिंग मिडिल स्कूल ईयर, बिल्कुल मिडिल स्कूल, ठीक है, मिडिल स्कूल वाले में जो है क्या है इसमें, क्या वर्सेस क्या है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, आपका सीधा सा है ये वाला, मिडिल स्कूल में वो मेहनत करता है, बच्चे को पता चलता है चीजों के बारे में, ठीक है, वो इंडस्ट्री को मैंने बताया था, किससे रिलेट किया था मैंने, इंडस्ट्रियस मींस हार्ड वर्क उससे रिलेटेड मैंने बताया था, ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट पे आते हैं 15th पे, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑकर्स ड्यूरिंग टॉडलर ईयर, ये भी बड़े अच्छे, तो सारा हमने पढ़ा हुआ, इसमें तो है नहीं कोई डाउट की कहीं पे कोई ना पढ़ाया हो, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, टॉडलर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो टॉडलर ईयर में क्या होता है, टॉडलर ईयर में ये तो आइडेंटिटी वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या हो सकता है, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट आपने देखना है कौन सा है, ये है टॉडलर, तो टॉडलर के टाइम में क्या है कि टॉडलर के टाइम में आपका बी इसका एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं 16th है हमारा, 16th वाले में, ठीक है, 16th वाले में क्या कह रहा है, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑकर ड्यूरिंग यंग अडल्ट ईयर, ये पीछे भी थोड़ा पड़ा, थोड़ा सा टेढ़ा करके डाल दिया, यंग अडल्ट में क्या है इसका, क्या होता किस टाइम पे, ये तो नहीं होता, ठीक है, सॉरी ये भी नहीं होता, तो हमारा आंसर ये है अडल्ट के टाइम में, सॉरी, ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑकर्स ड्यूरिंग मिडल एज, ठीक है, मिडल एज के टाइम में,
तो आपको ध्यान में रखना है कि जब मिडिल एज वाला टाइम है तो उस टाइम में वो ज्यादा हार्डवर्क करता है, ठीक है, वो फैमिली को पालने की बात करता है, ये मैंने बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है सारा का सारा, ठीक है। तो उस टाइम में अगर नहीं हो पाता है तो उसकी लाइफ जो है रुक जाती है, ठहरा हुआ है, वो खुश नहीं हो रहता है, और जब फाइनल स्टेज में जाते हैं तो वो हम विजडम हासिल नहीं करता है, वो हमेशा उसको लाइफ से रिलेटेड दुखी रहेगा, ठीक है, पछतावा रहेगा। तो इसका बी आपका आंसर है, ठीक है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट एज गिवन बाय फ्रॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़े होंगे तो ओरल भी है, एनल भी है, लेटेंसी वाला भी है, तो जो नहीं है वो ये वाला है, ये वाला स्टेज तो है ही नहीं उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाले पे, 19th पे, 19th वाला क्या कह रहा है, 9th में कह रहा है कि क्या था, ठीक है, साइको एनालिसिस वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है, साइको एनालिसिस ध्यान में रखना है मोस्टली। अब दोनों तो साइको सोशल डेवलपमेंट जो है वो उसने एरिक्सन ने भी दी है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट फ्रॉइड ने दी है, मगर अगर साइको एनालिसिस आ गया आपको, ठीक है, तो ज्यादा जो सही मानों में जो दिया है साइको एनालिसिस की कंसेप्ट, उसको रिलेट करनी है फ्रॉइड के साथ, ये दिमाग में आप डाल देना बात अपनी, ठीक है। तो हमारा 20वां है, व्हाट डिड फ्रॉइड कंसिडर द पेरेंटल लव ऑफ गर्ल। मैंने बताया था आपको वहां पे दो तरह के कॉम्प्लेक्स आते हैं, ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो आपको ध्यान में रखना है ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रा मोस्टली जो लड़कियां होती है ना, ठीक है, गर्ल्स से रिलेटेड होता है, किसके टुवर्ड्स रहता है, किसके टुवर्ड्स रहता है, फादर के टुवर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो है आपका, ये रहता है बॉयज के लिए, और किसके टुवर्ड्स, मदर के टुवर्ड्स, ठीक है। तो वो क्या करती, जो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है ये बॉयज में आता है, और बॉयज फादर को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, और मदर के टुवर्ड्स उनकी ज्यादा इंटीमेसी रहती है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स से रिलेटेड होती है, और किसके टुवर्ड्स होती है, फादर के टुवर्ड्स, ठीक है, तो वो फादर के टुवर्ड्स ज्यादा जो है उनका अट्रैक्शन अटैचमेंट रहता है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे जो बताया है, क्या पूछा है, लव ऑफ गर्ल्स, तो इसका मतलब है इसका आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टू डिस्क्राइब द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसने इस्तेमाल जो है मोस्टली क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय फ्रॉइड टू डिस्क्राइब द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो वो तो सारी की सारी है, अगर हम उसकी बात करेंगे जो है स्टेजेस जो उसने इस्तेमाल किए थे, वो कितना क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। तो आपने देखना है इसमें आंसर कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा स्टेज है, ठीक है, इसमें स्टेज कौन सा आता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, वो रहेगा, इसको थोड़ा पहले ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो इजी था, इसमें कोई उतना नहीं है मसला, ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय फ्रॉइड टू डिस्क्राइब चाइल्ड सेक्सुअल डिजायर फॉर द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट। आप इसको कंफ्यूज नहीं करना इससे पहले वाले से जो रिलेटेड था, जहां मैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बताया आपको। अब कहता है कि कौन सा इसने एक्चुअल में टर्म इस्तेमाल किया था, ये तो स्टेजेस है ना, ठीक है, ये तो स्टेजेस है, तो इसका मतलब है ये जो है सी तक, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, ये हो नहीं सकता, तो वहां पे यही है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्योंकि इसने नहीं बताया ना कि, क्योंकि ओडिपस है बॉयज से रिलेटेड माँ के लिए, ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है कि उस फ्रॉड ने एक टर्म यूज की हुई है बच्चे की साइकोलॉजिकल डिजायर के लिए, ऑपोजिट सेक्स पैरेंट, ऑपोजिट सेक्स पैरेंट, तो वही मैंने बताया ओडिपस आ गया, जो पीछे मैंने बताया बॉयज का माँ के प्रति, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका आज का वीडियो खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्टेजेस जो है ना ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर हजारों एमसीक्यूज बन सकते हैं, मगर आपने अगर स्टेजेस एरिक्सन की और फ्रॉइड की अच्छे से पढ़ी होंगी, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, स्टेजेस याद रखनी है, स्टेजेस की आउटकम क्या है जो मैंने लेक्चर में दिया है, उसके इधर उधर नहीं जाना है बस, फिर वो चाहे हजारों क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज के लिए दे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप हमेशा उसकी आंसर अप्रोप्रिएट दोगे, ठीक है। तो स्टेजेस अच्छे से पढ़ना, अगर नहीं पढ़ा होगा एक दो बार फिर से देखना, आपके लिए आपको बड़ा आसान लगेगा ये एमसीक्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ मैं, ठीक है। सो ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।